हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू आईएएस दिस इज मी अर्जिता एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी कि पांच जजेस के द्वारा दिया गया एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड उसको हम डिस्कस करने वाले हैं तो क्या था ये पूरा इशू आपका क्यों सुप्रीम कोर्ट में ये केस आपका गया था एंड क्या यहाँ पे पांच जजेस का डिसीजन आया है ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बट स्टार्ट करने के पहले गाइज अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट है जुडिशरी एस्पिरेंट लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो देश में लीगल अफेयर्स हो रहे हैं लीगल न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हैं so well, है, सो मिलती रहेगी प्लस अगर आपके कुछ डाउट्स या क्वेरीज हैं तो उसके लिए यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ऑल्सो अगर आप यूज करते हो तो सोशल uh, मीडिया की uh, यहां पे दी हुई है, इनको सर्च करके यू कैन कनेक्ट विद मी डाउट्स हैं जो भी क्वेरीज हैं है, वो आप सीधा मुझसे पे पूछ सकते हैं ठीक है तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब क्या होता है आपके पांच जजेस की बेंच का डिसीजन यहां पे आया है जजेस में कौन कौन थे जस्टिस Joseph, जस्टिस 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 के एम जोसेफ अजय रस्तोगी अनिरुद्ध बोस ऋषिकेश रॉय एंड रवि कुमार ठीक है तो इनके पास सुप्रीम कोर्ट में आपकी बहुत सारी पिटिशन यहां पर गई हुई थी कि भाई इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का कोई प्रोसीजर बनाया जाए जैसे कि आप सब जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितने सालों पहले बनाया गया था लेकिन आज तक हमारे देश में इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का कोई भी प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था तो यह मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गया सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैटर, इसको कंसिडर किया जाना चाहिए अगर आपको यहां पर लिखा है अनूप बारनवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है कुछ इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है दैट इज इलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है देश में हमारे जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं जो आ, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो सारे ईसीआई के द्वारा ही करवाए जाते हैं काफी पुरानी बॉडी है यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी टाइम पे 25 जनवरी 1950 को आपका इलेक्शन में, में बात करें तो पार्ट फिफ्टीन जो है आर्टिकल थ्री से थ्री तक बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में और कौन कौन लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पार्ट होंगे उसके बारे में अब अगर हम

पार्ट बनाए जाएंगे अब जैसे कि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका यह बोलता है कि भाई सीई यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके अपॉइंट किए जाएंगे बाई दी

इन बातों पे आपका सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन पिटिशन जो है वो फाइल किया गया एक और इशू जो आपका सुप्रीम कोर्ट में रेस किया गया था दैट वाज कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपके इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाएंगे कितने टाइम के लिए छह साल के लिए लेकिन ऐसा आज तक भारत के आ, हिस्ट्री में इंडिया के हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी इलेक्शन कमिश्नर ने छह साल का टेन्योर जो है वो कंप्लीट यहां पर किया हो तो एक मैकेनिज्म की जो नीड है वो यहां पर डिमांड की जा रही थी कि भाई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनाया जाए ताकि आर्बिट्ररी मैनर में इलेक्शन कमिश्नर बायस आपके अपॉइंट ना हो ना ही किसी तरीके की बायसनेस वहां पे देखी जाए प्लस ये भी बोला गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई कुछ पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रूलिंग पार्टी के फेवर में ज्यादा जा रहा है यानी कि बायसनेस यहाँ पे जो है वो आपकी देखी जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली पांच जजेस ने आज ये बोल दिया कि भाई इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया के जो कमिश्नर्स होंगे यानी कि जो सीईसी होंगे या फिर बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो अपॉइंट करेंगे ही करेंगे लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ एक कमिटी भी बनाई जाएगी जिसकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे अब इस इस कमिटी के पार्ट कौन कौन होंगे तो भाई प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री इसके पार्ट होंगे ऑपोजिशन लीडर यानी जो ऑपोजिशन पार्टी है लोकसभा की उसके जो लीडर हैं उनकी भी सुनी जाएगी वो भी इसके पार्ट होंगे प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी भी इसके पार्ट बनाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि भाई जब तक पार्लियामेंट इस चीज के ऊपर एक लॉ नहीं बना देती यानी सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है इसे लॉ के रूप में एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के रूप में जो है वो लाया जाएगा और हमारे देश में इंप्लीमेंट किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जो है आज अपने जजमेंट में बोली कि भाई इतने साल हो गए संविधान बने हुए इतनी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई देश में इतनी सरकारें बदल गई किसी ने कभी ये चीज नोटिस नहीं की कभी इसको बदलने की कोशिश नहीं की कि आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर कॉन्स्टिट्यूशन का इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है लेकिन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का कोई भी प्रोसीजर हमारे संविधान में नहीं दिया गया था तो बेंच ने यहां पर यही बोला कि भाई ये बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन एक फेयर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो काम करे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को संविधान को ध्यान में रखते हुए क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या करवा रहा है भाई देश में वो करवा रहे हैं इलेक्शंस ठीक है यानी इलेक्शन करवाना देश के जो लोग हैं उनकी इच्छा उनकी विल क्या है उसको ध्यान में रखना किसी भी तरीके का बायसनेस न दिखाना किसी प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी है जो पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि वो शायद उनकी फंक्शनिंग की बात की जाए या फिर उनके अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ईसीआई ही ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा तो भारत की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है यानी हमारे

से आपके इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किए जाए इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज जो है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट से आज आंसर मांगा है कि भाई ये जो आपकी पेटिशन थी इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने की ये सुप्रीम कोर्ट में काफी टाइम से पेंडिंग थी इस मैटर में सुनवाई नहीं हुई इसका डिसीजन नहीं आया उसी के बीच में अरुण गोयल जी को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमिश्नर आपका अपॉइंट कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर भी नाराजगी जताई है कि भाई आप ये डिसीजन किस तरीके से ले सकते थे जब आपको पता है उसी चीज से रिलेटेड एक मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट में है, बिना डिसीजन डिसीजन आए uh, का वेट करे बिना जो है वो आपने इलेक्शन कमिश्नर यहां पे अपॉइंट कर दिया उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आंसर मांगा गया है तो सुप्रीम कोर्ट uh, की बेंच ने आपका यही बोला है कि भाई पावर जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारे देश में उनको पावर की कुर्सी की सत्ता की जो है वो आदत यहां पे हो जाती है वो उसको जाने नहीं देना चाहते उसका कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस पार्शियलिटी ईसीआई में भी जो है वो देखने के लिए मिलता है तो भाई देश में इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर तरीके से हो पाए एक ढंग की डेमोक्रेसी हमारे देश में फंक्शन कर पाए उसके लिए जरूरी है कि ईसीआई आपका इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और वो तब रहेगा जब ईसी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आपके इंडिपेंडेंट तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे ठीक है सो so गाइज ये था हमारा आज का सेशन सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट जो आया है पांच जजेस की बेंच का है इलेक्शन कमीशन आपके लिए जीएस पेपर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यह जजमेंट को ध्यान रखिएगा इससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आल्सो गाइस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट इज इजी यूपीएससी ईपीएफओ जिसकी वेकेंसी फाइनली हमें दो के बाद देखने को मिली है इसकी जो इसका जो वेकेंसी क्योंकि आ चुकी है तो इसका एक लाइव बैच भी हमने स्टार्ट कर दिया है बैच आपका कल से स्टार्ट होने जा रहा है तो अगर आप चाहते है तो बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं अब बैच में एक्टली आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं तो देखिए ये है स्टडी आईक्यू की वेबसाइट स्टडी आई आईएएस की वेबसाइट है यहां पे आप नीचे अगर स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहां यूपीएससी लाइव करके एक टैब दिखेगा आपको यहां पे आपको कोर्सेज में जाना है ये यह यहां पे रहा आपका यूपीएससी ईपीएफओ का बैच ठीक है इस बैच पे आ, इस कोर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहां पे साफ लिखा है जैसे कि थर्ड मार्च यानी कि कल से 12 बजे से यूपीएससी ईपीएफओ का जो है वो बैच आपका स्टार्ट हो रहा है दो शिफ्ट में ये बैच आपका कंडक्ट करवाया जाएगा बैच में आपको मिलती है एग्जैक्ट क्या क्या चीजें हैं तो देखिए लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है साथ ही साथ सेपरेट नोट्स आपको जो है वो दिए जाएंगे करंट अफेयर्स की मैथ्स की ट्यूट की इंग्लिश की सबकी सेपरेट क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी ऑल्सो सेपरेट टेन ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी जो है वो प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे दिए जाएंगे यानी एक होलसम एक प्रॉपर प्रिपरेशन जो है क्योंकि देखो इतने टाइम के बाद UPSC वालों के लिए एक और बहुत अच्छी एट ऑल तो जितना अच्छी तरीके से 100 परसेंट हम अपना दे सकते हैं वो आपको भी देना है और हम भी अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहे हैं बाय लॉन्चिंग दिस बैच फॉर यू तो ये बैच आपका कल से स्टार्ट हो रहा है अब इस बैच को परचेज करते टाइम आपको सिर्फ एक चीज यहां पे करनी है दैट इज कि इस बैच को जब आप यहां पर बाइनाओ पे जाएंगे आपको एक डिस्काउंट कोड यहां पे लगाना है दैट इज ए आर जे लाइफ बिना किसी स्पेस के ए आर जे लाइव ये कोड आपको लगाना है जैसे ही ये कोड आप अप्लाई करोगे सेवन थाउजेंड ट्रिपल नाइन ऑलमोस्ट आठ हजार में जो है आपको पूरा बैच यहां पे मिल जाएगा अगले एक साल के लिए बढ़िया तरीके से आपकी पूरी ईपीएफओ की तैयारी हो जाएगी सो गाइज थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग वाचिंग द द वीडियो सेशन सेशन अगर आपको अच्छा लगा सो डू लाइक द सेशन डू शेयर द सेशन एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एज वेल एंड लाइक आई ऑलवेज से आई वुड लाइक टू सी योर कॉमेंट एज वेल वॉट डू यू थिंक ऑफ दिस डिसीजन की भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही था गलत था Uh, कितना इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है ठीक है तो प्लीज अपने व्यूज अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सो गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर गुड नाइट ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बाय बाय